अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट वर्ल्ड। मेरे चैनल पे आपको खुशामदी। आज हम बात करने वाले हैं मैनासिड की, जो कि एक एंटासिड है और मेदे की तेजाबियत को कम करता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे मैनासिड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसके इंडिकेशंस यानी इसके इस्तेमालात क्या हैं, ये काम कैसे करती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, बच्चों और बड़ों को मैनासिड की कितनी डोज़ देनी चाहिए और दिन में कितनी दफ़ा देनी चाहिए। तो आइए चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। मैनासिड एक 120 ml का सस्पेंशन है जो कि शुगर फ्री होता है और डायबिटीज़ के पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टानले कंपनी का प्रोडक्ट है और 65 रुपये इसकी प्राइस है। इसमें 3 ड्रग्स मौजूद होती हैं, एक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और तीसरी साइमेथिकोन। इसमें जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये एंटासिड और साथ साथ एंटी गैस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एंटासिड है और साइमेथिकोन इसमें एंटी गैस ड्रग है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये मैदे में पहले से मौजूद एसिड को कम करता है, यानी कि ये एसिड की प्रोडक्शन को तो नहीं रोकता लेकिन मैदे की तेजाबियत को कम करता है। मैनासिड सस्पेंशन की फॉर्म में है तो ये कैप्सूल और टैबलेट्स की नस्बत ज़्यादा जल्दी असर करता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कम्बिनेशन में आने की वजह क्या है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कब्ज़कास करता है और स्टूल को हार्ड कर देता है, जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टूल को सॉफ्ट करके डायरिया यानी लूज मोशन काज करता है। जब दोनों कम्बिनेशन में आ जाते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरे के इफ़ेक्ट को बराबर कर देते हैं और इससे ना कब्ज़ होती है और ना ही लूज मोशन होती है। मैनासिड के इंडिकेशंस यानी इस्तेमालात की बात करें तो मैनासिड मेदे की तेजाबियत को कम करने के साथ साथ गैस की वजह से पेट का फूलना, डिकारे आना या गैस की वजह से भूख का ना लगना, बदहजमी, मेदे और सीने में जलन का एहसास होना, मेदे में दर्द होना जो कि अक्सर रोज़ा इफ्तार करने के बाद महसूस होता है, और पेट ख़राब हो जाना जैसी अलामात को मैनासिड ट्रीट करता है। मैनासिड की जो कंपोजिशन है इसमें कम्बिनेशन में और भी कई ब्रांड्स मौजूद होते हैं इस कम्बिनेशन में, जैसे कि हमारे पास डाइजेक्स MP हो गया, म्यूकेन का सीरप हो गया, इसी तरह अल्मेजेल या डी जेल के सीरप वगैरह मार्केट में अवेलेबल है। अब हम मैनासिड की डोज़ की बात करें तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हर दवा की डोज़ बच्चों और बड़ों में अलग होती है। आप बच्चों को अडल्ट डोज़ नहीं दे सकते। नौ मौलूद और 1 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए कोशिश किया करें कि कोई दवा इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि इस स्टेज पे बच्चे का सिस्टम डिवेलप हो रहा होता है और कमज़ोर होता है। फिर भी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक 1/4 चम्मच यानी कि 1 चम्मच का 1/4 हिस्सा 1 साल से कम उम्र बच्चों के लिए दिन में 2 से 3 दफ़ा डोज है, यानी कि 1 से 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए 1/2 चम्मच मैनासिड का सेफ डोज होती है। 3 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए 1 चम्मच यानी 5 ml दिन में 3 से 4 दफ़ा और 12 से ज़ायद उम्र के अफराद और अडल्ट्स में मैनासिड की डोज 10 ml यानी 2 चम्मच दिन में 3 से 4 दफ़ा दे सकते हैं। और 2 हफ्ते तक ट्रीटमेंट का दौरानिया है, यानी 2 हफ्ते से ज़्यादा एंटासिड का इस्तेमाल ना करें, और डॉक्टर या फार्मासिस्ट ने अगर रिकमेंड की हो तो इनकी हिदायत के मुताबिक ले सकते हैं। मैनासिड के साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो मैनासिड की वजह से कब्ज़ या फिर डायरिया का सामना करना पड़ सकता है। मैनासिड के इस्तेमाल को छोड़ना नहीं है इस सूरत में, ये बहुत कम केसेस में होता है। अगर ज़्यादा सीवियर होने लगे तो फिर अपने डॉक्टर से रब्ता करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पा आमान।